गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बताने चल रहे हैं। तो भोजन स्वास्थ्य एवं रोग में जो टॉपिक हमने लिया है आपका है, वो टॉपिक विटामिन से है। तो विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और विटामिन से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है कि विटामिन से अगर शरीर में हो जाता है तो कोई भी रोग जो है उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। तो हम विटामिन का जो परिभाषा है, तो विभिन्न विटामिनों का शरीर में विशेष महत्व है। इसका प्रमुख कार्य शरीर में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न करना, शरीर में रोगनाशक क्षमता उत्पन्न करना होता है। तो छात्रों, यहाँ पे हमने आपको बताया कि विभिन्न विटामिनों का शरीर में विशेष महत्व है। इसका प्रमुख कार्य शरीर में रोगनाशक क्षमता उत्पन्न करना होता है और ये शरीर की पाचन क्रिया तथा स्नायु क्रिया को भी शक्ति प्रदान करते हैं। ये शरीर की पाचन क्रिया को भी शक्ति प्रदान करते हैं, पाचन क्रिया को शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। तो छात्रों, विटामिन में कई प्रकार होते हैं और कह सकते हैं कि इनके अभाव से रोग उत्पन्न होते हैं। इनके अभाव से रोग उत्पन्न होते हैं, तो छात्रों, आज हम जो ये विटामिन्स है, तो जैसे भोजन से हमें विटामिन्स मिलता है, कुछ आपके वनस्पति स्रोत जो है जिससे भोजन प्राप्त होते हैं, कुछ जंतु स्रोत है जिससे हमें विटामिन प्राप्त होते हैं, और आप कह सकते हैं कि विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन की कमी को पूरा करने वाले स्रोत कौन से हैं, इनसे कौन कौन से रोग जो है होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, इनके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। विटामिन के कई प्रकार होते हैं, आप कह सकते हैं विटामिन के अनेक प्रकार होते हैं। विटामिन के अनेक प्रकार होते हैं अब यहाँ पे हम आपको कह सकते हैं विटामिन के अनेक प्रकार में विटामिन मेनली आपके दो प्रकार होते हैं। एक तो पहला जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन, ये छात्रों विटामिन केवल दो प्रकार के ही होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। फर्क ये है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसमें आपके ए डी ई और के, ये चार विटामिन जो है वसा में घुलने वाले विटामिन है, और जल में जो घुलनशील विटामिन है
विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। तो छात्रों अब आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको जो विटामिन पढ़ा रहे हैं तो इसमें विटामिन की जो अनेक प्रकार, अनेक इसलिए कह रहे हैं कि अभी जैसे विटामिन ए डी ई और के है तीनों तो ठीक है, अभी अगर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन B1, B6, B12 इस तरीके से आपके विटामिन बी में कई प्रकार हो सकते हैं और विटामिन सी तो सिंगल ही होते हैं। कि अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपको वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बताएंगे, इसके बाद फिर जल में घुलनशील विटामिन को बताएंगे। तो आप विटामिन ए डी ई और के जो कि इनसे कौन कौन से रोग होते हैं और इनसे इनकी कमी को पूरा करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो छात्रों अब हम आपको जो विटामिन्स की बात है तो सबसे पहले हम विटामिन्स के बारे में आपको वसा में घुलनशील विटामिन जो कि क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से हम जो है विटामिन ए से होने वाले रोग और विटामिन्स आपके कह सकते हैं कि इसमें विटामिन्स का नाम पहले लिखेंगे, फिर विटामिन्स का स्रोत क्या है, फिर उनसे होने वाले लक्षण क्या है और रोग क्या है। तो छात्रों अब हम आपको इसमें जो वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं तो इनके बारे में अब आपको बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक टेबल बना के दिखा देते हैं कि टेबल में सबसे पहले है कि विभिन्न विटामिन्स के स्रोत आयोडीन डालेंगे, विभिन्न विटामिन, विभिन्न विटामिन के स्रोत स्रोत कमी से होने वाले रोग, स्रोत कमी से होने वाले रोग, रोग एवं लक्षण, एवं लक्षण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इनमें हम विटामिन्स का नाम लिखेंगे, जैसे विटामिन्स का नाम है आप दे दिए विटामिन, विटामिन का नाम, विटामिन का नाम के बाद विटामिन के स्रोत, विटामिन के स्रोत और कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, रोग और रोग के प्रमुख लक्षण, रोग के प्रमुख लक्षण। ये तो हमारा टेबल हो गया, इस तरीके से हम बना लेंगे ये टेबल हो गए। अब फर्क है कि इसमें जो हम आपको टेबल बना के दिखा रहे हैं इससे आपको अध्ययन करने में कोई समस्या नहीं होगी। एक बार आप अपने नोट को उठाएंगे तो वहाँ पे आपके सारे विटामिन एक साथ मिल जाएंगे, उन विटामिन के क्या स्रोत हैं और उन विटामिन की कमी से होने वाला रोग क्या है और रोग के प्रमुख लक्षण क्या है, कैसे हम पकड़ पाएंगे कि ये इस विटामिन की कमी के कारण ये रोग होना शुरू हुआ है। तो छात्रों अब हम आपको पहला जो विटामिन है एक तरीके से हम यहाँ पे क्रम संख्या भी डाल लेंगे कि 1, जैसे अब यहाँ पहला जो यहाँ पे क्रम संख्या, तो पहला विटामिन है ए, विटामिन ए, और इसका जो नाम है इसको हम कह सकते हैं रेटिनॉल, यहाँ पे ब्रैकेट इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, जो आपका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है और रासायनिक नाम जिसे हम पढ़ते हैं कि रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन के जो स्रोत हैं वो आपके
मछली का तेल कह सकते हैं, मछली का तेल और पालक, पालक के बाद होता है आपके एक तरीके से कह सकते हैं कलेजी। ये तो विटामिन ए के स्रोत हैं, विटामिन ए उसका नाम हो गया। विटामिन के स्रोत गाजर, मछली का तेल, पालक, कलेजी, एक तरीके से कह सकते हैं जितनी भी हरी सब्जियां होती है उसमें विटामिन ए प्राप्त होते हैं। कमी से होने वाला रोग रतौंधी, रतौंधी ये विटामिन की कमी से होने वाला जो है रोग होता है रतौंधी। और उसके बाद ये रोग के प्रमुख लक्षण क्या है कि वह कम प्रकाश में किसी वस्तु को, किसी भी वस्तु को देख नहीं पाता है, नहीं सकता। कोई भी मनुष्य है अगर उनके अंदर रतौंधी रोग की शिकायत है तो वह कम प्रकाश में किसी भी वस्तु को देख नहीं सकता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि रात के समय वो देख नहीं सकता है, जैसे शाम होती है तो थोड़ा सा दिन डूबने के बाद अंधेरा होने लगता है, उस समय अगर ये रोग रहता है तो वो सही से देख नहीं पाता है। तो उसके जो लक्षण है कि कम प्रकाश में किसी भी वस्तु को देख नहीं सकता है। ये तो विटामिन ए है जो कि वसा में घुलनशील है, ऐसे कह सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। अब सेकंड है विटामिन बी वन, आप कह सकते हैं विटामिन बी वन। हमने अभी कहा था कि आपसे कि विटामिन बी में कई प्रकार है, तो अब जो विटामिन बी वन है उसको हम थायमिन कह सकते हैं। इसका वो क्या कहते हैं कि रासायनिक नाम है थायमिन, थायमिन। और ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। और विटामिन बी वन का जो स्रोत है वो आपका है सोयाबीन, अनाज, हरी सब्जी, सोयाबीन, सोयाबीन, अनाज, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, ये आपके विटामिन बी वन के जो प्रमुख स्रोत है। सोयाबीन खाने से, अनाज जो अंकुरित अनाज है उनसे, हरी सब्जियों से हमें विटामिन बी वन के जो स्रोत हैं हमें प्राप्त होते हैं। इनकी कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी, बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होता है। और रोग के जो प्रमुख लक्षण है कैसे हम पहचानेंगे कि देखने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि इनमें बेरी बेरी रोग है, तो इसकी कमी से जो बेरी बेरी रोग है और एक तरीके से जो लक्षण है हाथों पैरों में लकवा होना, हाथ, हाथों और पैरों में लकवा होना, हाथों और पैरों में लकवा होना मतलब ऐसा देखने के लिए प्रतीत होगा। तो छात्रों हम आपको विटामिन्स के बारे में जो बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आपको थर्ड पॉइंट जो लेके चलेंगे, तो थर्ड पॉइंट में है आपका तीसरा विटामिन है विटामिन बी टू, विटामिन बी टू। इसका रासायनिक नाम है कह सकते हैं कि विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है निकोटी, सॉरी विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक
ये भी आपका जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी टू का जो स्रोत है वो है आपका जो है विटामिन बी टू का स्रोत दूध, अंडा, गेहूं, दाल, सब्जियां। दूध, अंडा, दाल, गेहूं, सब्जी, ये आपके विटामिन बी टू के स्रोत है। इनकी कमी से डर्मेटोसिस रोग होता है। डर्मेटोसिस रोग होता है। और इनका जो लक्षण है वो है त्वचा का फटना, त्वचा का फटना ये इनके प्रमुख लक्षण है। आप कहते हैं कि बिना सीजन के भी त्वचा फटने लगते हैं। कभी कभी ठंडियों में हवा चलती है तो जो त्वचा फटने लगती है। आप कहते हैं कि क्रीम लगा लो, ये लगा लो, तो वहाँ क्या है कि आपके विटामिन बी टू की कमी है, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और हम कहते हैं कि अगर इसकी कमी को पूरा करना है तो दूध पीजिए, अंडा खाइए, दाल, गेहूँ, सब्जी। इन सब स्रोत में कोई आपको दो स्रोत, तीन स्रोत को अगर आप पर डे यूज कर रहे हैं तो ये रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया कि जो ये विटामिन हम आपको बता रहे हैं वो हमारे शरीर में रोग नाशक क्षमता को उत्पन्न करता है, कि रोग को मारने के लिए उत्पन्न करता है जादू। इसलिए हम आपको विटामिन के बारे में लगभग टोटल बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब चौथा है विटामिन बी फाइव। तो विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड है, और इसका रासायनिक नाम है, ये भी आपके जल में ही घुलनशील है। ये मांस यकृत दूध के खाने से का स्रोत पूरा होगा। मांस यकृत और दूध, मतलब अब यकृत की बात है, यहाँ पे घबराइए ना, यहाँ पे अदर जंतु मनुष्य के अलावा दूसरे जंतुओं का, जैसे मछली लोग खाते हैं, क्या कहते हैं, मुर्गे खाते हैं, तो जैसे मुर्गे उर्गे का जो लीवर है उसको खाने से जो है ये विटामिन बी फाइव का जो सोर्स पूरा होता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है पेलाग्रा रोग है। और ये जो लक्षण है, तो पेलाग्रा रोग का जो लक्षण है वो त्वचा का सूखना, मस्तिष्क एवं पाचन तंत्र का ठीक से कार्य न करना। तो यहाँ पे क्या है, त्वचा का सूखना, मस्तिष्क में प्रॉब्लम, मस्तिष्क और पाचन ठीक से नहीं होगा। अब अगला है आपका B6, जिसको आप पीरिडॉक्सिन कहते हैं। B6 ये आपका रासायनिक नाम है पीरिडॉक्सिन। ये आपका पीरिडॉक्सिन है, और पीरिडॉक्सिन इसका जो स्रोत है छात्रों, तो स्रोत क्या है, तो इसमें अंडा, दूध, मांस एवं ईस्ट। तो अंडा, दूध, मांस और ईस्ट। तो छात्र अभी देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अंडा हर एक विटामिन में आ रहा है, दूध भी लगभग हर एक विटामिन में आ रहा है। तो इसका मतलब कि अंडा, दूध में से कोई अगर एक भी स्रोत हमको मिल जाता है तो विटामिन जो बी हम पढ़ रहे हैं उसकी उसकी जो है कि सोर्स पूरा, जो स्रोत पूरी तरीके से हमको मिल जाएगा, फिर हमारे शरीर के अंदर कोई रोग नहीं हो सकता है। अब इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है एनीमिया। अब आप एनीमिया के बारे में जानते हैं, एनीमिया जब हो जाता है तो अब इसका जो लक्षण है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी,
क्या होगा, रक्त में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी। अगर हम देखें तो यह हीमोग्लोबिन की कमी को दिखाता है। अगर एनीमिया हो गया तो बच्चा एकदम पतला दुबला हो जाएगा, एक तरीके से उसमें लगने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें रक्त की कमी है। अब रक्त में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये अगर हम कहते हैं कि ऐसे अगर रोग हैं तो हम क्यों नहीं इसका यूज करें कि अंडा मांसिस अगर खाते हैं एक तरीके से हमें संतुलित आहार भी मिल जाएंगे लगभग, और हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं। जैसे संतुलित आहार में क्या है कि वो जो हम पर डे दिन में कार्य करते हैं, भोजन लेते हो तो नियमित रूप से भोजन ले, उसके साथ साथ दूध अंडा मांस जो भी लेंगे वो हमारा संतुलित कर देता है भोजन को, इसलिए उसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। तो यह वहाँ पर क्या है, अगर संतुलित आहार कहेंगे तो विटामिन और खनिज लवण और ये क्या कहते हैं कि टोटल जो सोर्स है विटामिन ये सब मिलेंगे, तभी एक तरीके से वो पूरा होगा। अब अगला विटामिन है विटामिन सी कह सकते हैं। अब छठा है आपको विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन जो सी है उसको हम क्या कहेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। छात्रों विटामिन सी में तो और है, अभी B6 है आपका, B12 है, तो हम इसमें जो है कि आपको सर्टिफिकेट कर रहे हैं विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और ये भी आपके जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन है। और इसकी जो सोर्स है वो है आंवला, आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर। अगर आपको नींबू नहीं मिला, आंवला नहीं मिला, अगर टमाटर भी मिल गया तो विटामिन सी के जो है स्रोत लगभग आपके पूरा हो जाएंगे। पूरी तरीके से तो नहीं है लेकिन कुछ परसेंट आपको विटामिन सी के स्रोत हो जाएंगे। इसकी कमी से जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और इसके जो लक्षण है वो है मसूड़ों में सूजन तथा दर्द होना, मसूड़ों में सूजन तथा दर्द होना। तो ये छात्रों जो हम आपको विटामिन्स के प्रकार बता रहे हैं और विटामिन्स की कमी से जो रोग हैं, तो ये सब आप अच्छी तरीके से इसको नोट करते चलिए। और फिर हम आगे आपको विटामिन डी और ई और के हैं अभी हम आपको बताने चल रहे हैं। तो छात्रों ये तो हमारे विटामिन सी तक हमने बताया, अब हम आपको अगला विटामिन के बारे में बताने चल रहे हैं। तो छठवां की बात जो है आपका सातवां विटामिन, इसको आप नोट करते रहिए तब तक। और अब विटामिन सी के बाद आता है विटामिन डी, और विटामिन डी के बाद विटामिन ई आएगा, ई के बाद आपके के आएंगे। तो इस तरीके से जो विटामिन आपके वसा में और जल में जो घुलनशील हैं उन सब के बारे में हम आपको बता ही रहे हैं, और आप इसको जो है नोट करने के लिए समझते जाइए। अगर आपको कहीं समस्या लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा छात्रों, बिना कमेंट का कुछ पता नहीं चल पाएगा, इसलिए आपको जो है कमेंट करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, और जब कमेंट करते हैं तब हम लोग और एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद जो है कि और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पे जो सातवां विटामिन है वो है आपका विटामिन डी। इसको हम कैल्सीफेराल कहेंगे, रासायनिक नाम कैल्सीफेराल। ये आपका जो है वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील विटामिन है।
अब वसा इसके जो सोर्स है तो सूर्य का प्रकाश पॉइंट हो जाएगा, विटामिन डी के लिए सूर्य का प्रकाश, इससे जो विटामिन का स्रोत है वो पूरा होता है। सूर्य के प्रकाश के अलावा जो है मछली, दूध, तरह तरह के सभी सोर्स है, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स है, रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, रिकेट्स, रिकेट्स नामक रोग है, ये बच्चों में होता है, बच्चों में। और रोग के जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है कि हड्डियां कमजोर, लचीली और रीढ़ की हड्डी का झुकना, हड्डियां कमजोर होती है, हड्डियां कमजोर, कमजोर होने लगती है, कमजोर। और अगला विटामिन है, आठवां है विटामिन ई, विटामिन ई, इसका जो साइंटिफिक नेम है टोकोफेराल, टोकोफेराल रासायनिक नाम है छात्रों, और ये भी आपके वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील। तो अब आप जानते हैं कि विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है, इसके जो प्रमुख स्रोत है वो है अंकुरित बीज, दूध, अंकुरित बीज, दूध, अंडा इत्यादि। तो जो यहाँ पे स्रोत है अंकुरित बीज, दूध, अंडा, अब इनकी कमी से होने वाला जो रोग है नपुंसकता है, नपुंसकता है, और इसका जो लक्षण है प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता क्षीण, क्षमता क्षीण होना, क्षीण होना, ये प्रजनन क्षमता जो है वो क्षीण हो जाएगी। और समस्या ये, अब लास्ट का विटामिन नौवां है विटामिन के, इसका जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन है इसका रासायनिक नाम, ये भी आपके वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील। तो छात्रों यहाँ जो हम बता रहे हैं ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन्स है, इनका जो स्रोत है वो हरी सब्जियां, आलू, दूध है, हरी सब्जियां, सब्जियां, आलू, दूध है, ये तो स्रोत हो गए। इसके बाद इसमें रक्त का थक्का देर से बनता है, यही रोग है, रक्त का थक्का देर से बनता है, और इसके जो लक्षण है वो लक्षण है रक्त का थक्का देर से बनता है, यही है कि रक्त का थक्का देर से बनेगा, रक्त का थक्का देर से बनता है। तो इस कह सकते हैं कि रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं, और देर की बात है तो अलग है, यहाँ पे रक्त का थक्का जो है नहीं बन सकता, रक्त का थक्का जो है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है इसकी कमी से। छात्रों ये जो हम आपको विटामिन्स के बारे में बताए थे, तो विटामिन्स आपका लगभग कंप्लीट हमने किया, अब कुछ इसमें आपके जो लक्षण थे, लक्षण को हमने बताया, स्रोत को बताया, और उसकी कमी से होने वाले रोग टोटल बता दिए। अब आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको समझ में जरूर आएगा। अब इसके साथ साथ हम आपको कुछ इसमें संतुलित आहार की बात करते हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो अब संतुलित आहार में विटामिन्स, खनिज आपके पदार्थ, और जो है कि फल, इन सबको खाने से संतुलित आहार, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार में रेशेदार भोजन, रेशेदार फल, रेशेदार सब्जियां, और एक तरीके से हम कह सकते हैं
तो हमें संतुलित आहार मिलता है। अगर संतुलित आहार की अगर कमी होती है तो उससे क्या है कि बच्चों में कुपोषण, क्वाशन कोल्ड ये सब रोग होने लगते हैं। तो छात्रों, अब हम आपको आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।